हटो, हलीमा सुल्तान से बात करनी है मुझे। जन्नत कालफा, आखिर तुम बच कैसे गई? तुमको तो मारने का हुक्म दिया था ना। मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाली मनीक्षे। शहजादों को कहाँ छुपाया है जल्दी बताओ। मुझसे उलझने की जरूरत नहीं, सब खत्म हो गया। शहजादों को नहीं बचा सकती अब तुम कभी। कौसम कैसे बाहर निकली अबासाह? क्या दरवाजा सही से बंद नहीं किया था? यकीन कीजिए मलिका, मैंने सही से बंद किया था। इस महल में किसी से भी कोई काम ठीक से नहीं होता। होशियार, कौसम सुल्तान तशरीफ ला रही है। शहजादे कहाँ? शुक्र है आप आ गए। शहजादे अपने हुजरों में नहीं है। क्या? हमने हर जगह तलाश किया उन्हें। खान का हुक्म है, आप हमारे साथ चलिए। Thank you.
कौसम सुल्तान जरूर वापस आएंगी और आपको अपने करतूतों का हिसाब देना पड़ेगा। ये सरासर नाइंसाफी है। वालिदा, वो लोग क्या लेने आए हैं मुझे? मुस्तफा, मैं आपके साथ हूँ शहजादे, आपको कोई कहीं नहीं लेके जाएगा। वालिदा, मेरी सुल्तान, ले जाओ इसे। हलीमा सुल्तान, शहजादे कहाँ हैं? हलीमा सुल्तान, मेरे शहजादे कहाँ है? क्या किया आपने उनके साथ? आखिर तुम समझ ही गई कि इंसान की अपनी औलाद की जान जब खतरे में हो तो उसका दिल कैसे जलता है? कैसी गद्दार हैं आप! मुस्तफा को बचाने के लिए मैंने कितनी कोशिशें की और आपने सब कुछ एक लम्हे में भुला दिया। सालों तक मेरे बेटे को एक कोठरी में बंद रखा, उसे ज़हनी मरीज बना दिया एक, और उसी कैद तन्हाई में आज तुम्हारे शहजादों की भी जान ले ली गई। कौसम, सरशा कौशिक, चलो फौरन। बहुत देर हो चुकी कौसम, सब खत्म हो चुका। काश कि आज अपने शहजादों को तुम बचा सकती। Thank you.
ये लोग मुझे मार डालेंगे वालिदा, मार डालेंगे ना। मेरे शेर, ये मुमकिन नहीं, क्योंकि अब खानदान आले उस्मान का कोई भी मर्द बाकी नहीं बचा जो तुम्हारे तख्त पे कब्जा कर सके। सब मारे जा चुके हैं, अब इस सल्तनत की आखिरी उम्मीद मेरा बेटा है। अल्लाह तू मेरे भाई की मदद करना, उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना या रब, कायम रखना उसकी सल्तनत। शहजादे, अरे शहजादे, इंशाल्लाह शहजादों का कुछ नहीं होगा, बचाना है। कसम ने यकीन दिलाया है कि वो उनकी जान जरूर बचाएगी। दाऊद, ओ गद्दार, सबकी जान ले लेगा, जान ले लेगा सब। इन्हें उठाने में मेरी मदद करें। गलत करे दाऊद, मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान लूं। मलिका रुक जाइए, अंदर आ जाइए। कासिम मेरी जान, मेरे बच्चे, मेरी जान, वो हमें मारने वाले थे। कुछ नहीं होगा तुम लोगों को, ये दाऊद पाशा थे वालिदा, उन्होंने वक्त पर आके जान बचा ली हमारी। अल्लाह तेरा शुक्र। उस्मान, तखलिया, शुक्र है मेरे रब का कि उसने आप लोगों की जान बचा ली। देख लिया तुमने, शहजादे खैरियत से। अब बताओ कि दिलरुबा कहाँ है? सब्र करो पाशा, तुम अपनी जौजा से जरूर मिल पाओगे। अपने रब का जितना शुक्र करूंगा मैं, तुम्हें अब कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। सब आ जाओ मेरे साथ, चलो। हामियों के साथ मेरे सराय पे हमला कर देना कोई शराफत नहीं है कौसम। इसका हिसाब देना होगा तुम्हें बहुत जल्द। असल में तो आपको हिसाब देना होगा, न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखरत में भी आपको इसका जवाब देना। खुदा का शुक्र है सुल्तान, हमारे शहजादे जिंदा हैं। आपके दामाद दाऊद पाशा ने मेरे शहजादों की जान बचाई। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, दाऊद पाशा के लिए दिलरुबा ज्यादा अहम है। वालिदा, आगाओ,
हलीमा सुल्तान को कैद कर दिया जाए और शहजादे को नजर बंद। नहीं करीब बताना, करीब बताना, नहीं वालिदा, मुस्तफा छोड़ो मेरे बेटे को, मुस्तफा मुस्तफा वालिदा, मेरी का छोड़ो मेरे बेटे को, छोड़ो मुझे मुस्तफा, वालिदा वालिदा वालिदा। छोड़ मुझे, वादा किया था कि कोई भी मुझे हाथ नहीं लगाएगा वालिदा। कुछ नहीं होगा तुम निकेश, हम बहुत जल्द मिलेंगे, डरना मत, परेशान ना होना। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। दाऊद, तुमने मेरे हुक्म को नजरअंदाज करने की जरूरत कैसे की? मैं मजबूर था मलिका, दिल रुबा की जान बचाने का कोई और रास्ता नहीं था। खुदा गारत करे तुम्हें, सब बर्बाद कर दिया, दिल रुबा को बचाने के लिए सबको आग में झोंक दिया। गलत फहमी है तुम्हारी कि कौसम तुम्हारी जान नहीं लेगी। दाऊद, कौसम सुल्तान से बात हुई है मेरी, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। सब कुछ खत्म कर दिया दाऊद, खत्म कर दिया। आपके चचा मुस्तफा की हालत ऐसी नहीं कि वो एक बादशाह के फराइज अंजाम दे सकें। क्या हुआ है उन्हें? उनकी जहनी हालत ठीक नहीं मुराद, दीवाने हो गए हैं और इसीलिए बेहतर होगा कि उन्हें तख्त से उतार दिया जाए फौरन। जन्नत, शहजादियों को लेने के लिए किसी एतबार के आदमी को भिजवाया जाए। जो हुक्म मेरी मलिका। जिस महल में मेरे शहजादे खेलते फिरते थे उसी महल में 3 महीने नजरबंद रहे। मेरा अल्लाह शाहिद है, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था। जो कुछ हुआ इसकी वजह हलीमा सुल्तान है, उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। लेकिन मैंने जो वादा तुम लोगों से और तुम्हारे मरहूम वालिद सुल्तान अहमद से किया उसे पूरा किया। शहजादों और इस सल्तनत की हिफाजत की। अगर अल्लाह ने चाहा तो अब हम पर बुरा वक्त हरगिज नहीं आएगा और रास्ता आसान हो जाएगा। सो आज के बाद खानदान आले उस्मान का ताज और तख्त। शहजादे उस्मान। आपकी शजाअत और दानिश के सुपुर्द।
होशियार, सुल्तान उस्मान खान तशरीफ ला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान मुस्तफा खान खैरियत से, क्योंकि उनका जहनी तवाजुन ठीक नहीं है, इसलिए इस हुकूमत की बका के लिए अरकान हुकूमत ने यह फैसला किया है कि उन्हें तख्त से उतार दिया जाए। क्या यह दानिश मंदी का फैसला है? हमारी अकल तो हैरान है। इसी वजह से सुल्तान उस्मान खान आज के दिन तख्त पर जलवा अफरोज हो रहे हैं। मकाम सूफी अहमद पाशा आपके गुलाम। वजीर सालिस गुलजू हमीद महमद पाशा। ये बिल्कुल एक गलत फैसला है। उस्मान भाई की जगह मेरी तखनशीनी होनी चाहिए थी। अगर अल्लाह ने नसीब में लिखा हुआ तो आप भी एक दिन तख्त पे जरूर बैठेंगे महमत, और जुलूस के वक्त फसाद की बातें मत कीजिए महमत। मेरा ख्याल है यही सही वक्त है। अगर उस्मान भाई ने तारीख दोहरा दी तो उस्मान भाई क्या अब हमारी जान ले लेंगे? उस्मान भाई हरगिज ऐसा नहीं करेंगे, वो चाहते हैं हमें, है ना वालिदा? बिल्कुल मुराद, आपके उस्मान भाई पे मुझे जरा सा भी शक नहीं, वो आप लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं। कुप्पे वजीर सानी शेख हम्मादुद्दीन। रुमैली के सदर ताश भूला जादे अहमद कमालुद्दीन अफंदी। शुक्र है खुदा का तुम खैरियत से हो। मुझे छोड़े दाऊद, वालिदा और मेरे भाई कैसे हैं? सब खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र खुदा का, इसका मतलब है कौसम अपने इरादे में नाकाम हो गई दाऊद। अच्छा ये बताएं, क्या शहजादों की जान ले ली आपने? मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के सामने हार मान गया मैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। अगर मैं शहजादों को मार देता
तो तुम्हें हमेशा के लिए खो देता। और मुस्तफा, उसे तख्त से उतार दिया गया है। वक्त आ चुका है मलिका। कौसम ने यकीनन हमारी मौत का हुक्म दिया होगा। कौसम सुल्तान ने आपकी जान बख्श दी है। आंसू महल जा रही हैं आप, लेकिन मेरा बेटा मुस्तफा, उसके साथ क्या सलूक किया कौसम ने? उनके बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया और मुझे उम्मीद है कि हमारे आका उनकी जान बख्श देंगे। मनीक्षे कहाँ है जन्नत? कम अज कम वो ख्याल ही रख लेगी मेरे बेटे का। मनीक्षे का तमाम माल जब्त करके उसे महल से बेदखल कर दिया गया है। ये कैसे कर सकते हैं आप? ये कैसे कर सकते हैं? आपने वादा किया था मुझसे कि चाहे जो भी हो जाए मुस्तफा को कभी कुछ नहीं होने देंगे आप। दिलरुबा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो यह जंग लड़ना मेरे लिए बेमकसद होता। तुम्हारे बगैर हर चीज बेमकसद है मेरे लिए। ताज, तख्त, महल, इनकी कोई अहमियत नहीं। तुम्हारे बगैर सब नामुकम्मल है। सब खत्म हो गया दाऊद, सब खत्म हो गया। हम एक बार फिर आ गए। ऐसा कुछ नहीं, अगर हम साथ होंगे तो हर जंग जीत सकते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारे भाई को तख्त पर बिठाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा और अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मैं वादा करता हूं। मेरे आका मिशाल सीमा, खुदा का शुक्र है कि मुझे मेरा असल मकाम मिल गया और तुम भी वापस मिल गई। मैंने बहुत याद किया तुम्हें। अगर उस तन्हाई में तुम्हारी याद का साथ ना होता तो मैं कब का मर जाता। लेकिन अब तुम उदास ना हो क्योंकि मैं वापस आ गया हूं। मेरी तो बस एक यही ख्वाहिश है, आपके साथ मिलके अपना घर बसाना। मेरे आका, वालिदा कौसम सुल्तान आपका अंदर इंतजार कर रही हैं। सुल्तान उस्मान के जुलूस का ऐलान हो रहा है। एक बार फिर कौसम अपने पांवों पर खड़ी हो जाएगी। अगर कल रात उसकी किसी ने मदद ना की होती तो इस वक्त महल में मातम मना रही होती वो अपने शहजादों का। क्या इसके पीछे तुम थी हमशा? मैं थी। मैं इनकार नहीं करूंगी क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरा भाई खून से रंगे तख्त पर बैठे। नन्हे शहजादों पर जुल्म होता हुआ हम कैसे देख सकते थे वालिदा, कैसे? अगर ऐसा होता तो सिकंदर भी तख्त कबूल ना करता। क्यों मेरे भाई? अगर एक दिन मुझे तख्त पर बैठना है तो उस तक पहुंचने के लिए मुझे अमन का रास्ता नहीं मिलेगा। मुझे बताइए, आप क्या समझती हैं? क्या यह ताजो तख्त मुझे थाल में सजाकर पेश कर दिया जाएगा?
यकीनन खून बहेगा। अब आप एक शहजादे नहीं रहे उस्मान, आज के बाद से आप सल्तनत उस्मानिया के बादशाह हैं। अब आपके ऊपर भारी जिम्मेदारियां हैं। शुक्रिया वालिदा, आपका साया पाए से रहमत है और मेरी दुआ है कि वो हमेशा हमारे सरों पे कायम रहे। लेकिन एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। क्या है वो? मुझे मालूम हुआ है जो शहजादा बड़ा और दानिशमंद होगा उसको तख्त पर बिठाने का फरमान मेरे वालिद ने नहीं बल्कि आपने लिखा था। क्या ये सच है? ये सब कुछ आपसे किसने कहा उस्मान? ये बात इस वक्त अहम नहीं वालिदा, सवाल का जवाब चाहिए मुझे। क्या फरमान आपने लिखा था? आप लोगों की बेहतरी के लिए मुझे ये करना पड़ा। क्या ये आपने अपनी औलाद के लिए नहीं किया? आपको लगता था कि मैं उनकी जान लूंगा। इस बारे में मेरी आपसे बात हो चुकी है। 3 महीने वालिदा, पूरे 3 महीने जानवरों की तरह बन रहे हैं, और कल अगर हमारी जान ले ली जाती तो मैंने और मेरे भाइयों ने आपके किए हुए गुनाहों की सजा कर दी। लेकिन अब आपकी बारी है। मैं कुछ समझी नहीं उसमें। आज के बाद महले हुमायूं में नहीं रह सकती हूं। जाएं आंसू महल जाने की तैयारी शुरू कर दे। मैं तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं हूं मेहमत। और याद रहे अच्छी तरह, आज के बाद तुम मुझे आका कहोगे। और हां, बगैर इजाजत हुजरे में आने की जरूरत मत करना। सिकंदर, आपके हुक्म से हमने शहजादे सिकंदर का पीछा किया। माजरत के साथ एक बुरी खबर है मलिका। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपका नाम उमर है, आपका नाम उमर है, आपका नाम उमर है। मेरे भाई सराय हुमायूं में आजादी से अपनी जिंदगी गुजारेंगे और आप कभी कभी आकर उनसे मिल सकती हैं।